देख रहे हैं पीटीएनआई न्यूज चैनल। क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। हम आपको बता दें कि कोरोना आपदा के चलते देश में घमासान हाहाकार मची है। एक तरफ सरकारी कर्मचारी लॉकडाउन के पालन कराने हेतु रात दिन सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता भी इस संक्रामक बीमारी से निपटने हेतु सरकार का साथ दे रही है और पुलिस प्रशासन वे जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने अपने घरों में रहें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से घर से बाहर मास्क लगाकर ही निकलें। वहीं एक तरफ जनता घरेलू आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन कोरोना को हराने के लिए जनता ने भी अपनी पूरी तरह कमर कस रखी है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो जनता को समझाने हेतु नए नए पैंतरे जुटाकर लोगों को निर्देश दे रही है। सरकार ने देश को रेड ग्रीन ऑरेंज जोन में बांट दिया है ताकि कोरोना के संक्रामक को बढ़ने से रोका जा सके। फिर भी भारत सरकार ने अन्य देशों के मुकाबले कोरोना के संक्रामक को फैलने से काफ़ी हद तक अपने हथकंडे अपनाकर काबू कर रही है। हम आपको बता दें कि देश कोरोना महामारी के चलते तीसरे चरण में अपने कदम रख चुका है, लेकिन प्रशासन व पुलिस प्रशासन लोगों से उनकी आर्थिक सहायता की जानकारी लेकर वे उनकी सहायता कर सरकार के निर्देशों का पालन कराती भी नजर आ रही है। एक तरफ जहां पुलिस ने कोरोना को हराने के लिए जनता से संवाद कायम किया, जिसमें जनता से लॉकडाउन का पालन कराने हेतु अपील की गई। कैमरामैन मोहम्मद परवेज के साथ मोहम्मद जावेद चौधरी, पीटीएनआई न्यूज़, हसनपुर, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।